एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि बाई एंड लार्ज क्या है, और मेरे दूसरे व्यूअर ने पूछा है कि किक एस क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखें कि बाई एंड लार्ज क्या है और किक एस क्या है। आइए सबसे पहले देखें कि बाई एंड लार्ज क्या है। बाई एंड लार्ज का मतलब होता है आम तौर पर या सब मिलाकर, यानी ओवरऑल। लगता है आप समझे नहीं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। अगर आपको कहना हो आमतौर पर अमीर लोग गरीबों की इज्जत नहीं करते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बाई एंड लार्ज द रिच डू नॉट रिस्पेक्ट द पुअर। यानी आमतौर पर अमीर लोग गरीबों की इज्जत नहीं करते हैं। यहाँ आमतौर पर के लिए मैंने बोला बाई एंड लार्ज। अगर आपको कहना हो सब मिलाकर कंपनी मेरे लिए बहुत अच्छी रही है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बाई एंड लार्ज द कंपनी हैज बीन प्रीटी गुड फॉर मी। यानी सब मिलाकर कंपनी मेरे लिए बहुत अच्छी रही है। अगर आपको कहना हो आमतौर पर औरतें मर्दों की तुलना में ज्यादा दर्द बर्दाश्त कर सकती हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बाई एंड लार्ज द वुमेन कैन बियर पेन मोर देन मेन। यानी आमतौर पर औरतें मर्दों की तुलना में ज्यादा दर्द बर्दाश्त कर सकती हैं। अगर आपको कहना हो सब मिलाकर ये मैनेजर अच्छा काम कर रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बाई एंड लार्ज दिस मैनेजर इज वर्किंग वेल। यानी सब मिलाकर ये मैनेजर अच्छा काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला कंसेप्ट समझ में आया कि बाई एंड लार्ज क्या है। आइए दूसरा कंसेप्ट समझें कि किक एस क्या है। किक एस एक एग्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है समथिंग इज रियली वेरी गुड या समथिंग इज रियली वेरी इम्प्रेसिव। यानी कोई चीज सचमुच बहुत अच्छा है या बहुत प्रभावशाली है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। अगर आपको कहना हो पता है आपको मैंने जल्दी ही एक बहुत मजेदार मूवी देखा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव रिसेंटली वॉच्ड अ किक एस मूवी। यानी मैंने हाल ही में एक बहुत मजेदार मूवी देखा है। अगर आपको कहना हो मुझे उम्मीद है कि यह गेम बहुत मजेदार होने वाला है या बहुत प्रभावशाली होने वाला है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई होप दिस इज गोइंग टू बी अ किक एस गेम। यानी उम्मीद करता हूँ कि यह गेम बहुत मजेदार होने वाला है या बहुत प्रभावशाली होने वाला है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को समझा कि किक एस का मतलब होता है समथिंग इज रियली वेरी गुड या वेरी इम्प्रेसिव। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये दोनों कंसेप्ट आपको शानदार तरीके से समझ में आया। अगर वाकई आपने दोनों कंसेप्ट को समझा, तो क्या दो दो सेंटेंसेस दोनों टॉपिक्स पर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।